वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट। भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो एलपी और टेक्नीशियन की जो और साइंस की बैच चल रही है, तो आज ये पेपर थ्री का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैंने पेपर थ्री के दो पार्ट में सब्जेक्टिव पेपर को कवर कराया है, तो दोनों वीडियो आप देख लें, उनके बाद ही ये ऑब्जेक्टिव पेपर देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत, किस अभिक्रिया पर आधारित है या किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये पूछा जाता है काफी बार एग्जाम में। तो हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है और या किस सिद्धांत पर ये कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम जो है बहुत ही खतरनाक होता है और ये नाभिकीय संलयन पर काम करता है। इसमें नियंत्रित तो अभिक्रिया होती है, तो ये याद रखिएगा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करेगा? तो नाभिकीय संलयन पर। और इसी संलयन पर क्या काम करता है? हमारे सूर्य, सूर्य जो है हाइड्रोजन प्लस हीलियम से मिलकर बनाते हैं। तो याद रखिएगा, सूर्य में भी नाभिकीय संलयन ही होता है। आगे का क्वेश्चन है, परमाणु बम, जो भी परमाणु बम है वो किस अभिक्रिया पर आधारित है या किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये क्वेश्चन दोनों जो है परमाणु और हाइड्रोजन बम अक्सर देखने को मिलेगा आपको। तो देखिए, ये है आपको नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है और ये इसमें अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर में जो भी होती है उस वो इसी क्रिया पर आधारित होती है, विखंडन पर उसमें नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। तो ये दोनों क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाली होती हैं, तो इन्हें कन्फ्यूजन मत आप होइएगा और अच्छे से याद रखिएगा। आगे का क्वेश्चन है, रडार, रडार के आविष्कार किसने किया था? तो रडार का आविष्कार मार्कोनी ने किया है, मार्कोनी द्वारा रडार का आविष्कार किया गया था। तो रडार का आविष्कार मार्कोनी द्वारा नहीं किया गया था, ये अल्बर्ट टेलर द्वारा किया गया है। ठीक, मार्कोनी द्वारा बेतार की तार किया गया था और रेडियो की खोज की गई थी, लेकिन रडार पूछे तो कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। रॉ से रेडियो भी होता है और रडार भी होता है। तो रडार पूछे तो अल्बर्ट टेलर, वही रेडियो पूछे तो मार्कोनी, और बेतार की तार पूछे तो मार्कोनी। आगे का क्वेश्चन है, न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉनों की खोज पॉली द्वारा किया गया था। ठीक, मैंने ये सब्जेक्टिव वाली क्लास में ये पूरा डिटेल करवाया है, तो आज मैं टाइम नहीं दूंगा, फटाफट मैं क्वेश्चन की ओर देखता हूँ। आप यहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा, न्यूट्रॉनों की खोज पॉली द्वारा किया गया था। वहीं आगे का क्वेश्चन है, आवर्त सारणी की खोज, तो आवर्त सारणी का खोज मेंडलीव द्वारा किया गया है, ये भी याद रखिएगा। आवर्त सारणी किसके द्वारा किया है? मेंडलीव द्वारा। आगे का क्वेश्चन है, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके द्वारा? तो एनरिको फर्मी द्वारा किया गया है ये। ठीक, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर, और ये कहाँ गया था? यूएसए में, यूएसए में किया गया था एनरिको फर्मी के द्वारा, और वो विश्वविद्यालय को भी आप याद रख लीजिएगा, अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में किया गया था पहला फर्मी द्वारा। आगे का क्वेश्चन है, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? हाइड्रोजन बम की बात कर रहा है और परमाणु बम, तो आप दोनों याद रखिएगा। हाइड्रोजन बम पूछे तो 52 में इसका खोज किया गया था, 1952 में हाइड्रोजन बम बना था। वहीं परमाणु बम की बात कर ले तो 45 में उसका किया गया था। आगे है, प्रोटॉन, प्रोटॉन किसका एक कण है? तो प्रोटॉन किसका, किस प्रकार का कण है? तो प्रोटॉन में मैंने कल ही बताया था, ये प्रोटॉन जो होता है ये पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव बोले तो धनावेशित। अब वही इलेक्ट्रॉन पूछे तो ऋणावेशित कण होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक, चलिए आगे। आगे का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, ठीक, धनावेशित क्या होता है? प्रोटॉन। आगे है, न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण? तो न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, तो ये आवेशहीन कण है। ठीक, न्यूट्रॉन कैसा कण है? आवेशहीन कण है।
देखते हैं आगे का क्वेश्चन। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो आ गया, इसका कब हुआ था? 1945 में हुआ था। और किसने किया था परमाणु बम? ऑटो हान द्वारा खोजा गया था या आविष्कार किया गया था? तो परमाणु बम ऑटो हान द्वारा खोजा गया था। आगे हैं, परमाणु बम कब बनाया गया था? तो अभी हम चर्चा किए थे, 1945 में इसमें में परमाणु, और वही 52 करें तो हाइड्रोजन बम 1952 में। आगे हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज, तो इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा? तो जे जे थॉमसन द्वारा ये खोजा गया था। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? तो जे जे थॉमसन द्वारा ये किया गया था। आगे हैं, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन पूछ रहा है, प्रोटॉन का किसने किया है? तो ये गोल्डस्टीन द्वारा किया गया है। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो गोल्डस्टीन द्वारा ये प्रोटॉन का खोज किया गया है। आगे है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जेम्स चैडविक द्वारा किया गया। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, याद रखिएगा, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक द्वारा खोजा गया है। वही बात करते हैं पोलियो की टीके की, तो पोलियो का टीका किसने खोजा? तो जॉन ई साल्क द्वारा पोलियो के टीके की खोज की गई। आगे है क्वेश्चन, डायनामाइट, डायनामाइट के आविष्कार कौन है? तो अल्फ्रेड नोबल साहब है डायनामाइट के आविष्कार। इन्हीं के याद पर ये क्या किया जाता है? नोबल पुरस्कार दिया जाता है। आगे का क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज, पॉजिट्रॉन की खोज किसने? तो पॉली द्वारा किया गया। पॉजिट्रॉन पॉली द्वारा ये खोजा गया था। आगे है, निम्नलिखित में से किसका भेदन क्षमता अधिक होता है? तो गामा किरणें की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होता है। मैंने क्या बताया था कल? जिसका विद्युत चुंबकीय तरंग कम होते हैं उसके भेदन क्षमता अधिक होते हैं। काफी बार ये पूछा गया क्वेश्चन है कि गामा किरणें भेदन क्षमता से, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा गामा किरणें की होती है। आगे का क्वेश्चन है, टेलीफोन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किया है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा क्या किया है? टेलीफोन का आविष्कार किया गया है। आगे का क्वेश्चन है, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम जो भी है वो कौन है? कॉपरनिकस द्वारा। इन्होंने ही बताया था क्या? जो पृथ्वी है, मतलब सूर्य केंद्र है, और सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी या अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो ये किसने कहा था? कॉपरनिकस ने कहा था। इससे पहले ये आर्यभट्ट भी कर चुके हैं, लेकिन ये कॉपरनिकस आप ही याद रखिएगा। जब कॉपरनिकस ना रहे ऑप्शन में तो आर्यभट्ट कीजिएगा। आगे है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर का काम न्यूट्रॉन करता है। जब न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तब भी नाभिकीय विखंडन होता है, तो यह ट्रिगर के रूप में न्यूट्रॉन का कार्य होता है। क्वांटम सिद्धांत, तो क्वांटम सिद्धांत काफी बार ये पूछा गया है। मैक्स प्लैंक द्वारा ये क्वांटम सिद्धांत का आविष्कार किया गया था। आगे है, रेडियो धर्मिता का आविष्कार किसने किया? तो रेडियो धर्मिता का आविष्कार, कमेंट करके आप लोग बताइए क्या है इसका आंसर। हेनरी बैकुरल द्वारा ये खोजा गया। आप लोग क्वेश्चन के साथ साथ कमेंट भी करते जाए, क्योंकि मैंने ये पढ़ा चुका हूँ ऑब्जेक्टिव, और ये ऑब्जेक्टिव है तो आपको ऑप्शन वाइज आपको कमेंट करना जरूरी है। आपको पता चल जाएगा कि कौन से मेरे सही है। तो इसका हेनरी बैकुरल द्वारा रेडियो धर्मिता का आविष्कार किया गया था। आगे है, प्रसिद्ध बिग बैश थ्योरी किसने दिया? किस सिद्धांत पर आधारित है बिग बैश थ्योरी? जो है बिग बैंग थ्योरी, ये डॉपलर प्रभाव पर आधारित रहता है। ठीक, बिग बैंग थ्योरी याद रखिएगा डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। आगे है, इनमें से सबसे सूक्ष्म तत्व कौन है? सूक्ष्मतम तत्व पूछ रहा है, तो याद रखिएगा सूक्ष्म तत्व हाइड्रोजन है। या सूक्ष्म तत्व पूछे तो ऑप्शन के अनुसार हाइड्रोजन हो जाएगा। आगे है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन? अप्सरा है। ठीक, आगे क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसके? आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया है इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसके द्वारा किया गया है?
28 क्वेश्चन है, और ये मिलिकाना, 28 नंबर क्वेश्चन का मिलिकाना ये है, आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पता लगाया था मिलिकाना ने। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा होता है? तो कोई भी परमाणु है और उसमें पूछे सबसे हल्का कण, तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण होता है, ये बाहर होते हैं और चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक, आगे है लकड़ी की आयु, तो लकड़ी का क्या है आयु, हम किससे लगाएंगे? तो लकड़ी क्या है, जीवाश्म है ना, तो इनका हम कार्बन डेटिंग द्वारा, कार्बन-14 द्वारा इसका हम उपयोग करके इसका पता किया जाता है। आगे का क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण? तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन है। आगे है, पृथ्वी के आयु का आकलन किया जाता है, तो पृथ्वी का हम कैसे करेंगे, जो भी पिंड है या चट्टान है, तो यूरेनियम डेटिंग द्वारा करेंगे, पृथ्वी के आयु का पता लगाएंगे। आगे का क्वेश्चन है, गामा किरण की खोज किसने किया था? तो पॉल बिलाइट द्वारा ये किया गया था, गामा किरण की खोज किसके द्वारा किया गया है? तो पॉल बिलाइट द्वारा किया गया है। आगे क्वेश्चन है, जीवाश्म की आयु का पता, तो हम बोले थे जीवाश्म जो है तो उसे कार्बन डेटिंग द्वारा याद रखिएगा, जीवाश्म शब्द आए तो कार्बन डेटिंग, और पिंड या चट्टान आए तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। आगे है पोलोनियम, पोलोनियम की खोज किसने की? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोलोनियम, तो पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी द्वारा किया गया था, रेडियम की खोज की है मैडम क्यूरी ने, और पोलोनियम का भी खोज मैडम क्यूरी द्वारा किया गया। आगे का क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों की खोज का श्रेय किससे प्राप्त है? जो भी अक्रिय की गैस है उसका खोज रैमजे द्वारा किया गया है, रैमजे द्वारा क्या किया है, अक्रिय गैसों की खोज की है। हेनरी कैवेंडिश द्वारा क्या किया, हाइड्रोजन का खोज, सीले द्वारा, और सीले और पेस्ट्री ऑक्सीजन की खोज की है, तो ये याद रखिएगा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? डायनामाइट बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग, ये आविष्कारक नहीं पूछा गया है, तो इसके बनाने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरील का उपयोग करते हैं हम क्या, डायनामाइट बनाने में। ठीक, आगे का क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम, जो भी हाइड्रोजन बम खतरनाक है उसमें विकसित किया जाता है, किया गया था किसके द्वारा, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो हाइड्रोजन बम, परमाणु बम तो था ओटोहन, और हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं, तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसका है सैमुअल कोहेन द्वारा क्या किया गया था, हाइड्रोजन बम आविष्कार किया गया था, ये 52 में बना था हाइड्रोजन बम, परमाणु बम 1945 में। आगे है, परमाणु बम का विकास किसके किया गया था? तो देखिए ऑप्शन में कभी ओटोहन नहीं मिलेगा, तो आपको ऑपर ओपेन हिमर मिलेगा, ये याद रखिएगा, जे रॉबर्ट ओपेन हिमर द्वारा किया गया था परमाणु बम। तो ये था सेट 3 का सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो मैंने सब्जेक्टिव करवा रखा था और ये ऑब्जेक्टिव था। आई होप ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए है, और आप लोग को अच्छा भी लगा होगा, अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए, और ये सीरीज मिस मत कीजिए आप लोग, साइंस और ALP टेक्नीशियन वाली काफ़ी इम्पोर्टेंट रेलवे और भी एग्जामों के लिए रहने वाला है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।